33 जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही। कोलकाता में घर में जब ईडी की टीमें छापे मारे। क्या आप जानते हैं कि ईडी से जब्त किया गया पैसा कहां जाता है? दोस्तों, फिलहाल ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स बहुत सुनने को मिलती है, कभी किसी नेता के घर तो कभी किसी सेलिब्रिटी के घर। इन रेड्स से लाखों करोड़ों रुपए की गैरकानूनी रकम जब्त की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जब्त किया गया पैसा कहां जाता है? शायद ही पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़ी ईडी रेस के बारे में जानेंगे और पैसा आखिर जाता कहां है इस पर भी एक नजर डालेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले, अगर कैश मिलता है तो उसकी गिनती बैंक अधिकारी की मौजूदगी में की जाती है। फिर इन नोटों की संख्या को एक विशिष्ट रूप में दर्ज किया जाता है। उसके बाद इन नोटों को स्टेट बैंक में जमा कर दिया जाता है। संबंधित व्यक्ति से पैसों के स्रोत के साथ साथ खाते के बारे में भी पूछा जाता है। यदि ईडी को स्रोत उपयुक्त लगता है तो ईडी व्यक्ति को राशि लौटा देता है। अगर उन पैसों का हिसाब नहीं लगता तो उन पैसों की गणना बेहिसाब है ऐसा माना जाता है। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है। अब हम भारत में हुए कुछ बड़े ईडी रेड्स पर एक नजर डालेंगे। Undisclosed income of 1,430 crore rupees in groups that include those linked to V.K. Shashikala. साल 2017 में हुई V.K. Shashikala की रेड। इस रेड में ईडी ने 1,430 करोड़ की गैरकानूनी संपत्ति को जब्त कर लिया था। Is the truth when it comes to this Kanpur businessman? Does he really have links with Samajwadi Party? Or is this? साल 2019 में कानपुर के परफ्यूम के बिजनेसमैन पीयूष जैन की रेड से तो 257 करोड़ कैश, 250 किलो चांदी, 25 किलो सोना और सैंडल ऑयल से भरे 9 ड्रम्स जब्त कर लिए गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।